राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से इस विमान की डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा गया था। राफेल के दाम को लेकर विवाद नया नहीं है और ऐसे में जब भारत प्याज उतर रहा है तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से इस डील पर सवाल उठाते हुए राफेल विमान की कीमत पूछी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा कि आखिर राफेल प्लेन आ ही गया। 126 राफेल खरीदने का फैसला 2012 में यूपीए ने किया था, जिसमें से 18 राफेल छोड़कर अन्य सभी को एचएएल द्वारा भारत में बनाया जाना था। ये भारत के आत्मनिर्भर होने का प्रमाण था। एक राफेल की कीमत 746 करोड़ रुपए तय की गई थी। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि मोदी सरकार के आने के बाद फ्रांस के साथ मोदी जी ने बिना रक्षा, बिना वित्त मंत्री और कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बिना नया समझौता कर लिया और एचएएल का हक मार कर निजी कंपनी को देने का समझौता कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा को अनदेखी कर 126 राफेल खरीदने की बजाय केवल 36 राफेल खरीदने का निर्णय लिया गया। अगले ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार ने 746 करोड़ रुपए तय की थी, लेकिन चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक राफेल कितने में खरीदा है बताने से बच रहे हैं, क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार जी अब तो इसकी कीमत बता दे। बता दे, भारत की सरजमी पर आज 5 राफेल विमान उतरेंगे और उसके लिए अंबाला एयरबेस पर स्वागत और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। न्यूज़ डेस्क।